रविंद्र जी यहीं से बात करें, अगर बिनौला खल की तो देख रहे हैं कि 2507 का हाई लग चुका है दिसंबर वायदा में, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से आज 2500 का हाई लगा है, तो अब बिनौला खल में आगे क्या तेजी का रुझान बनना शुरू हो गया या फिर ये एक छोटी सी ऐसी निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली है? देखिए कोकोड में करेक्शन कंप्लीट होती हुई दिख रही है, इसी वजह से अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल बनता हुआ लग रहा है। अगर प्राइसेस 25-30 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट इसके लिए 2700 का रहेगा और सपोर्ट जो है ये 2350 का ही रहेगा इमीडिएट। लेकिन अगर 2700 के ऊपर ये कमोडिटी चलना स्टार्ट करती है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कॉटन में भी रिवर्सल पैटर्न्स बने हुए हैं और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉटन के साथ MCX कॉटन भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ऑयल सीड पैक उसमें भी रिवर्सल बाइंग के साइन बन रहे हैं और वो सारा सपोर्ट करता है कोकुड को और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कोकुड कल भी रिवर्स किया था और आज अगेन लास्ट 4 से 5 दिन की जो सेलिंग थी उसे कवर करके आज 2490 के आसपास ट्रेड कर रही है कमोडिटी और यहाँ से बहुत जल्दी हम देखेंगे कि ये कमोडिटी 2500 से 2700 की रेंज में ट्रेड करेगी। जी,